लगा वो शहर में पुलिस की तरफ से नए कायदे कानून के जन जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके चलते सवेरे 2 रैलियां गांव में निकाली गई और यहां पे सुसंवाद हॉल मालेगांव पुलिस कंट्रोल रूम के बाजू में यहां पे एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसके चलते शांता कमेटी के सदस्य हो, प्रतिष्ठित नागरिक हो और कायदे के बारे में पुलिस को सहकार्य करने वाले, पुलिस से रابطہ रखने वाले कुछ लोग हो, इन लोगों को बुलाया गया और शहर के सभी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, दोनों DYSP संधू साहब, गुंजार साहब, हम सब लोगों ने मीटिंग को आए वाले सब लोगों को नए जो भी कायदे, 3 कायदे जो भी नए 3 कायदों का जो अमल शुरू हो गया है कल रात के 12 बजे से, उसके बारे में जो मालूमात हमको वरिष्ठों से आई थी वो हमने उनको दे दी है। ये जो भी कानून के तहत जो बदलाव हुए हैं उसके चलते कल रात के 12 बजे से नए कानून के तहत, नए कलम के तहत गुनेह दाखिल करना का काम शुरू कर दिया गया है। जो पुराने कायदे और कानून में जो भी बदलाव नए इसमें रखे गए हैं उनके बारे में भी लोगों को बताया गया है। हमारी अपेक्षा ऐसी है कि ये नए कानून के अमल बजावने के चलते नागरिक, पुलिस प्रशासन, पत्रकार बांधव और जो भी पीड़ित व्यक्ति है इन सब में एक तालमेल रहे और नए आने वाले सभी ये कानून का सभी की तरफ से स्वीकार हो और ये कानून की अच्छी तरह से अमल बजावनी की जाए।